एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिना ड्राइवर के चलेगी मेट्रो, कमर्शियल सिलेंडर के दामों में वृद्धि, अवैध शेड तोड़े, अतिक्रमण हटाए। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वचालित होने के कारण पुणे मेट्रो बिना ड्राइवर के चलेगी। शुरुआत में यदि मेट्रो बिना ड्राइवर के चली तो जाहिर है कुछ यात्री उसमें बैठने से डरेंगे। इसीलिए सूत्रों की माने तो यात्रियों को मेट्रो में यात्रा की आदत पड़ने के बाद ही उसे बिना ड्राइवर के चलाया जाएगा। शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन पर होगा कंट्रोल। वानास में रामवाड़ी और पिंपरी चिंचवड़ से स्वर गेट के बीच मेट्रो बिना ड्राइवर के चलेगी। इन मार्गों को शिवाजी नगर में अनाज गोदाम स्टेशन पर स्थित मेट्रो टर्मिनल से नियंत्रित किया जाएगा। शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन पर कंट्रोल रूम होगा। दूसरी खबर, घरेलू और व्यवसायिक गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। कोविड 19 के नियमों और शर्तों में छूट मिलने के बाद होटल व्यवसाय शुरू किया गया। घरेलू गैस हजारों में है। अब कारोबारी गैस और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई ने व्यवसायियों के व्यापार प्रभावित हुए हैं। पिछले महीने घरेलू गैस की कीमत 25 रुपए और कमर्शियल गैस की कीमत 37 रुपए से बढ़ाई गई थी। इसके अलावा खाद्य तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। तीसरी खबर, महानगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने सोमवार को मंगलवारी जोन के तहत नई बस्ती और मोहन नगर इलाके के टीन शेड तोड़ने की कार्रवाई की। नई बस्ती दुर्गा माता मंदिर के सामने सार्वजनिक जमीन पर शीतल बराफर ने अवैध शेड का निर्माण किया था। गड्डे गोदाम मोहन नगर स्थित वैभव लक्ष्मी अपार्टमेंट के पार्किंग स्थल पर आशीष ढिंग ने टीन शेड का निर्माण किया था। इसे भी दस्ते ने तोड़ दिया। कामठी रोड पर अजमेरा टायर्स के सामने फुटपाथ से हाथ ठेले हटाए गए। धर्मपेट जोन में रविनगर रोड से 32 अतिक्रमण हटाए गए। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।